हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता क्रिएटिव क्राफ्ट माइंड से। वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रिंटर कवर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रिंटर लिया है और ये इसका मैं मेजरमेंट लूँगी इस तरह से। तो इसकी यहाँ पे हमने लेंथ ले ली है, 21.5 है हमारी, तो हम इसे 22.5 रखेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई नाप ली है। यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई ले ली है, ये 12.5 है, तो हम इसको 13.5 रखेंगे। और हम यहाँ पर इसकी पट्टी की लेंथ ले रहे हैं, तो ये यहाँ 6 इंच है, तो हम इसको 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि नीचे हम इसका नेफा बनाएंगे। आप चाहें तो 3 इंच भी रख सकते हैं एक्स्ट्रा। तो और अब इस चौड़ाई का हम मेजरमेंट इस तरह से लेंगे। तो ये हमने पूरा फिक्स इसका लिया है, तो 54 है, तो 1 इंच हमारा मार्जिन का ले लेंगे, 55 हो गया। और 5 इंच इसमें हम और प्लस करेंगे, 60 इंच हम पूरी पट्टी निकालेंगे इसकी। यहाँ पर मैंने एक पुरानी शर्ट ली है, मैं इस शर्ट से अंदर का पार्ट कट करूंगी इसके कवर के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से इसके बैक साइड को इस तरह से रख लूँगी। और यहाँ पे हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे, यहाँ पे हमने इसकी लेंथ का मेजरमेंट ले लेंगे अपने जितना है हमारा, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंथ और चौड़ाई दोनों में हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे यहाँ पे। यह मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है और मैं इसको कट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है, अब मैं इसको इसकी प्रिंटर के ऊपर रख के देखूँगी इसको इस तरह से। ये ठीक है हमारा, तो हम इसकी गोलाई का कट अब हम इसके प्रिंटर की जो चारों तरफ गोलाई है इसकी गोलाई की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसकी गोलाई कट कर लेंगे कपड़े को ऊपर रख के। इसी गोलाई से हम तीनों साइड की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। पहले हम इस तरह एक साइड करेंगे, अब इसको हम पलट के दूसरी साइड रख के दोनों साइड उस तरफ के भी दोनों साइड की गोलाई कट कर लेंगे। ये हमने इस तरह से रख के इसको इस तरह से रख लिया है, उसको हम कट करेंगे। यहाँ पे मैंने कट कर लिया इसकी गोलाई, ये हमारा ऊपर का पार्ट तैयार हो गया है इसका, जो अंदर की साइड रहेगा। अब इसके नीचे की किनारे की पट्टियाँ कट करेंगे, तो हम शर्ट की जो बाजू है ये पट्टियाँ हम उसमें से कट करेंगे। तो हम इस तरह से बाजू को इस तरह से रख लेंगे खोल के, और इसमें हम पहले एक तरफ से सीधा कट कर लेंगे सीधा एक तरफ से, फिर हम इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको सीधा कट कर लिया है एक तरफ से, और दूसरी साइड से इसको हम कट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच मार्जिन रखा है, 6 है, तो मैं 8 इंच की पट्टी कट करूँगी यहाँ पे इस तरह से। अगर आप नेफा चौड़ा रखना चाहें तो 3 इंच एक्स्ट्रा कट करिए। मैंने कट कर लिया है इस तरह से। इसी तरह से मैं दूसरी बाजू से भी पट्टी निकालूंगी इसकी, क्योंकि ये पूरी पट्टी हमें 60 इंच की चाहिए। और जो कपड़ा कम पड़ेगा हमारा, तो इसके आगे के फ्रंट पार्ट से भी हम कट करेंगे शर्ट के। ये इस तरह से मैं इसको कट कर लूंगी दूसरा पीस भी। इस तरह से मैंने इसके सारे पार्ट कट कर लिए हैं। हम इन सारी पट्टियों को आपस में जॉइंट कर लेंगे। अब इसमें हम जो ये हम वाटरप्रूफ बना रहे हैं, तो इसमें हमने एक ये आटे की थैली ले ली है, और इसी के बीच में लगाने के लिए हम इसी को कट करेंगे इसमें। तो हमने जो ऊपर का पार्ट कट किया था उसी को हम रख के ये आटे की थैली को भी इसी तरह से हम कट कर लेंगे इसके ऊपर रख के, कपड़े को इसके ऊपर रख के हम इस तरह से आटे की थैली को कट कर लेंगे। इस
तरह से इसको कट कर रहे हैं। ये मैंने इसको कट कर लिया है यहाँ पे, तो ये हमारा इस तरह से इसके अंदर बीच में लगाने का ये पॉलीथीन हमारा तैयार हो गया। आपके पास जिस तरह का भी कपड़ा हो आप ले सकते हैं। मेरे पास ये इस तरह का एक कपड़ा है जो मैं इसको फ्रंट पे लगाऊंगी ऊपर ऊपर की साइड। तो यहाँ पे मैं उसको जो मैंने अंदर के साइड के लिए कपड़ा कट किया था उसी को इसके ऊपर रख के कट कर लूँगी। ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे कट कर लिया है इसको, और इसकी गोलाई भी कट कर लूँगी इसी तरह से। ये दोनों पार्ट मेरे तैयार हो गए हैं ऊपर नीचे के, और बीच में हम इस आटे की थैली से जो हमने पार्ट कट किया था ये लगाएंगे इस तरह से, और ये फ्रंट के ऊपर वाला कपड़ा लगाएंगे इस तरह, और ये तीनों आपस में हम ज्वाइंट कर लेंगे। ये हम इसके किनारे की पट्टी कट कर ली है हमने ऊपर वाली भी इस तरह से, इसके दो पीस हैं इस तरह से मैं इसको ज्वाइंट कर लूँगी। तो हमारा जो फ्रंट का पार्ट है तो हम जो नीचे वाला है इसको हम नीचे रखेंगे इस तरह से, सीधा साइड हम नीचे की तरफ और उल्टी साइड ऊपर रखेंगे, और उसके ऊपर हम ये आटे की थैली वाला रखेंगे जो पीस हमने कट किया था, उसके ऊपर हम फ्रंट का कपड़ा रखेंगे, ऊपर की साइड इसको सीधा रखेंगे, अंदर की साइड उल्टी करके रखेंगे इस तरह से, और हम इसको इस तरह से पिनअप करेंगे। इसकी चारों साइड हम इसको पिनअप कर लेंगे ताकि ये सिलाई करते समय ये इधर उधर कपड़ा फिस लेना, और आप चाहें तो इसको पहले कच्चा भी कर सकते हैं सुई से। मैंने यहाँ पे इसको पिनअप किया चारों तरफ। इसमें हमारा जो कपड़ा या हमारी पॉलीथीन छोटी या बड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, तो हम इसको सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा जो भी किनारे के साइड होगा उसको हम कट कर लेंगे बाद में। तो यहाँ पे मैंने पूरा पिनअप कर लिया है, मैं इस पर सिलाई कर लूँगी इस तरीके से। पूरा चारों तरफ से इसको सिलाई कर लिया है इस पर, ये इस तरह से हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसकी किनारे की पट्टी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ये हम पट्टियाँ ले ली हैं सारी, जॉइंट कर ली हैं मैंने इसको आपस में इनके सारे, और ये मैंने नीचे वाला पार्ट है ये। तो इस तरह से हम इसको उल्टा साइड ऊपर रखेंगे, और ऊपर से ये पॉलीथीन हमने कट कर ली थी किनारे लगाने के लिए। जैसे हमने ऊपर का पार्ट तैयार किया है उसी तरीके से हम ये पट्टियाँ भी तैयार कर लेंगे चारों तरफ सिलाई करके। तो पहले हम इसे पिनअप कर लेंगे इस तरीके से। पिनअप करने से ये हमारा कपड़ा फिसलेगा नहीं, और आसानी से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। हम इसे पिनअप करेंगे, आप इसमें कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं सुई से। तो इसी तरह से हम चारों तरफ पिनअप करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है इसमें चारों साइड से इस तरह से, ये देखिए इस तरह से तैयार हो गई हमारी पट्टी पूरी। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें वो हम कट कर लेंगे इस तरीके से, और ये पट्टी को हम इसमें जॉइंट करेंगे ऊपर वाली पार्ट में। तो उसको हम सीधे साइड नीचे की तरफ रखेंगे उल्टा ऊपर, और पट्टी का हम सीधा ऊपर की तरफ रखेंगे और उल्टा अंदर की साइड इस तरह से, और इस तरह से रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगा ली है इस तरीके से चारों साइड। अब ये जो हमारा खुली साइड है इसको हम सिलेंगे, तो इसको हम अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर इस तरह से। इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है, यहाँ इस तरह से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा सिल गया है किनारा इसका, ये देखिए, और इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमारे ऊपर की हमने जो सिलाई करी थी, जो हमारा सिलाई दिख रही है कपड़ा, इसके ऊपर हम पट्टी लगाएंगे यहाँ।
के ऊपर। तो यहाँ पे पट्टी लगाने के लिए हम पट्टियाँ कट करेंगे। तो ये मैंने तिरछी पट्टी कट करी है 2 इंच की। तो इसी तरह से हम इसमें पट्टियाँ कट कर लेंगे 2-2 इंच की, और इनको हम ये तिरछी पट्टियाँ कट करनी है और इस तरह से हम इसको जॉइंट करेंगे इस तरह से रखते हुए। इसको इस तरह से रखेंगे, हम इसको जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। और ये यहाँ पे मैंने सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं और इनको मैं आपस में जॉइंट करूँगी। इस तरह से हम इन सारी पट्टियों को अपनी जॉइंट कर लेंगे। मैंने पट्टियाँ जॉइंट कर ली हैं और अब मैं इसमें अटैच करूँगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी इसको। ये उल्टी साइड ऊपर रहेगा इसमें और सीधी साइड नीचे की तरफ पट्टी को रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे इस पर हम। इसको हम चारों साइड इसी तरह से लगा लेंगे। ये मैंने चारों साइड इस तरह से पट्टी लगा ली है। अब मैं इसको ऊपर की साइड फोल्ड करूँगी इस तरीके से। ये इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इस पर सिलाई लगाई है। फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये मैंने यहाँ पे पूरी पट्टी लगा ली है इसके किनारे की। तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा तैयार हो गया पूरा। अब नीचे की साइड हम इस पर नेफा बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे नीचे 1-1 इंच के करीब। आप चाहे इस पर 1/2 इंच की इलास्टिक डाल सकते हैं, 1/2 इंच चौड़ी वाली चाहे डोरी वाली, आपके पास जिस तरह की अवेलेबल हो। इस तरह से इसका नेफा तैयार कर लेंगे। और ये मैंने यहाँ तैयार कर लिया इसका नेफा। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे और यहाँ पे हम इसका खुला साइड थोड़ा छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो ये मैंने यहाँ छोड़ दिया है इसको। अब मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह की इलास्टिक है, गोल वाली पतली सी डोरी वाली होती है। तो मैं इसी को डालूँगी इसमें। अगर आपके पास इलास्टिक ना हो तो आप इसमें डोरी बना के भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इलास्टिक डाल दी है इस तरह से और ये हमारा कवर बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसको आपको प्रिंटर पर चढ़ा के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कवर बन के तैयार हो गया। ये मैंने इसको इस पर लगा दिया और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कवर तैयार हो चुका है। और ये जो मैंने घुमाया है, तो ये बैक साइड आपको दिख रहा है इसका, जिस तरफ इसकी वायर होती है। तो ये आपको फूला फूला दिख रहा होगा इधर। तो ये हमारा कवर पूरा बन के तैयार हो चुका है। देखिए ये आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।